प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री राबिया केस में ट्वीट क्यों नहीं करते? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें 60% भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। तबलीगी जमात के नाम पर मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे थे, उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। माफी उन लोगों को मांगना चाहिए जो उमर खालिद को फंसाने का कोशिश किया। ढूंढी अपराधनाथ क्या है? अपराधी नहीं है, गुंडा मवाली नहीं है। ये ढूंढी अपराधनाथ खुद ही है, गुंडा मवाली है। दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के अंदर में आता है, जो अमित शाह खुद तारी पार है। और जो गिरी राजमंत्री बंगाल से आते हैं वो मानव तस्करी करने वाले, गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालने वाले गृह मंत्री हैं। आज किरण बेदी क्यों नहीं बोल रही है? बहुत अपने आप को ईमानदार महिला IPS बन रही थी। कहा है अन्ना हजारे, वो दलाली और मुजरा गा रहा वहां बैठ के राले गांव सिद्धू में। भारतीय जनता पार्टी अपने काले कुकर्मों से घबराई हुई है। लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करना सरासर गलत है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। रह गई बात, ये लोग जानबूझकर हिंदू और मुसलमान में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक चुनाव का मुद्दा बनाकर यही एजेंडा देश के मीडिया के पत्रकारों को दिया गया है। वो ये सवाल नहीं पूछते कि बनारस में घर घर बाढ़ का पानी कैसे आया। वो ये सवाल नहीं पूछते कि गोरखपुर में जो मठ है वहाँ तक बाढ़ का पानी कैसे गया। वो सवाल नहीं पूछते कि उत्तर प्रदेश की सड़कें ओमपुरी की गाल की तरह कैसे है। वो ये सवाल नहीं पूछते, उसका जवाब नहीं देते कि लखीमपुर खीरी में एक हिंदू महिला के साथ शाड़ी खोला गया। वो राबिया के मुद्दे पर नहीं सवाल पूछते कि राबिया को इंसाफ कैसे मिलेगा। बोल तो रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हैं? किसने कहा? वैसी साहब लगातार कर उनके पार्टी के लोग इकट्ठा हुए थे संगम बिहार में, ऐसे तो सारी पार्टियां गई। लेकिन प्रधानमंत्री जो विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, वो प्रधानमंत्री राबिया केस में ट्वीट क्यों नहीं करते? वो दिल्ली कैंट में वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर ट्वीट क्यों नहीं करते? जो रविदास समाज की बिटिया के साथ त्रिलोकपुरी में हुआ उस पर ट्वीट क्यों नहीं करते? जो नरेला में बिटिया के साथ हुआ उस पर ट्वीट क्यों नहीं करते? वो जब हाथरस में होता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते? सवाल तो जो शासन सत्ता में होगा उससे पूछा जाएगा ना पत्रकार महोदय। सवाल तो सर राबिया केस में केजरीवाल से सवाल होना चाहिए ना सर। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है भैया? सवाल तो हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से पूछा जाएगा, सिंगल आपसे और इनसे नहीं पूछा जाएगा। ये लोग उस पर कानून क्यों नहीं बनाते? निर्भया कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस हिसाब से कह रहे थे कि बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, क्या उस पर कानून बनाना इनके बस की बात नहीं है? क्यों नहीं बना रहे? एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बलात्कार की जितनी भी घटनाएं हैं उसमें 60% भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता एक सरहदों पर रक्षा करने वाली बीवी को ब्लैकमेल करता पाया जाता है। आपने वो लोग तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने नहीं देखा दासना मंदिर के नरसिम्हानंद सरस्वती क्या कह रहे कि भाजपा की तमाम जो महिला नेत्री हैं वो आज किसी नेता के साथ रखेल बन के रहती हैं तो कब किसी दूसरे नेता के साथ, तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? बताओ कहाँ है महिला आयोग, कहाँ है मानवाधिकार आयोग, कहाँ है भाजपा के तमाम? उन्होंने सफाई दिया है, बोला हमारे जो हमने बात कहा था उसको घुमा के बोला जा रहा, छोटा सा क्लिप दिखाया जा रहा, पूरी बात नहीं। लोग कुछ भी बोल दीजिए बाद में, कहिए तोड़ मरोड़ के रखेल सब कोई तो दूसरा जोड़ दिया उसमें। अरे आप लोग भी अन्न खाते हो यार, रोटी खाते हो ना, कम से कम इंसानियत तो सीखो। किस तरीके से देश की बहन बेटियों को बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, सवाल तो उस पर पूछा जाएगा ना। सवाल किस पर पूछा जाएगा बताओ सर? वो मोदी जी और योगी जी कहते हैं महिलाओं ने हमें जिताया है, फिर आप उन्हीं से सवाल कर रहे महाराज? तो यही महिला हराएंगे। हाँ। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं मोदी सरकार। बहुत हुआ छात्र नौजवानों पर बेरोजगारों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। यही तो पूछा जाएगा। बहुत हुआ किसान और जवानों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। जो 2012-13-14 में जिन लोक लुभावन नारों के जुमलों के तहत देश को छला गया, देश के सभी जाति धर्म के लोगों को ठगा गया, सभी वर्ग के लोगों को ठगा गया, ये चुनाव
उत्तर प्रदेश का चुनाव ही नहीं, पांच राज्यों में जो चुनाव हो रहे वो सारे चुनाव भारत को दूसरी आजादी दिलाने का काम करेंगे। मोदी के राज में तो पूरे दलित सब कोई तो बहन मनीषा हाथरस में जो कांड हुआ, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, इससे खुश हैं? खोरी गांव में जो गांव उजाड़ा गया, वहां ज्यादातर दलित समाज के लोग हैं, क्या खुश हैं? आप बताओ ना, आप नहीं बताओगे। दिल्ली कैंट में जो दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए जो पुजारी के द्वारा बलात्कार हुई, आप बता दो कि खुश हैं? महंगाई से दलित समाज के लोग खुश हैं? बता दो, कुछ भी बता दोगे, आप तो मीडिया के लोग हो, आप तो आपका तो काम ही यही है, आपको तो जिस बात के एवज में पैसे मिलेंगे वही गुणगान करोगे। सवाल से बच रहे हैं हम, फिर केजरीवाल कोई स्टेटमेंट नहीं आया राबिया केस पे, दिल्ली में बात कर रहे हैं। दिल्ली में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बड़ा बाबू की तरह है, बगैर राज्यपाल का। दिल्ली में देखिए, हम सत्य बोलने के लिए और बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं उस पर हम आरोप नहीं लगा सकते। आप इसका अन्यथा मतलब ये मत रखो कि केजरीवाल जी से हमारे कोई संबंध है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के बगैर आदेश के दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर सकता, और लॉ एंड ऑर्डर सुन तो लो। अरे भैया, आप भी भाजपा नेता की तरह कर देना कि दिल्ली का गृह मंत्री, दिल्ली का गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस, अरे सुन ले रहे मैं क्या कह रहा हूँ, केजरीवाल का तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए। ये तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को सोचना होगा कि कौन लोग हैं जो इनको सिर्फ वोट में तब्दील करता है, वोट बैंक की राजनीति करता है, क्यों नहीं वो नींद से जागते? ये सवाल उठता है ना तबलीगी जमात पर, सवाल केंद्र सरकार पर उठता है। 127 साल से मरकज में जमा भरा होता है, आप समझिए, कोई आज से नहीं होता। और जब आपने कहा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, सवाल उठता है कि जब बाहर के देशों से मौलाना आए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था, होम सेक्रेटरी क्या कर रहा था, CBI रॉ जैसी संस्था क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस क्या कर रहा था, होम सेक्रेटरी क्या कर रहा था, निजामुद्दीन थाने के बगल में है मरकज हो रहा था। केजरीवाल भी तो कह रहे थे FIR दर्ज हो मौलाना साथ पे, अब क्यों चुप है? जो लोग जो लोग तबलीगी समाज के, तबलीगी जमात के नाम पर मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे थे, उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। माफी उन लोगों को मांगना चाहिए जो उमर खालिद को फंसाने का कोशिश किया, माफी उनको मांगना चाहिए जिन लोगों ने दिल्ली में दंगे कराए और मौन स्वीकृति से दिल्ली में दंगा होने दिया, दिल्ली में हिंदू और मुसलमान दोनों परिवार के लोग जलाए जाते रहे, ताहिर हुसैन के तीन भाई, ताहिर हुसैन के भाई और उनके साथियों के साथ जिन लोगों को बरी किया गया, कोर्ट ने एक करारा तमाचा दिल्ली पुलिस पर मारा, होम सेक्रेटरी पर मारा, उनको जांच करने का विषय था, उनको सीख लेने की जरूरत थी। ये लोग TV चैनल के बाइट से कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से आपने देखा होगा IC घोष के साथ क्या हुआ, किस तरीके से जामिया JNU में हुआ, किस तरीके से गार्गी कॉलेज में हुआ, तो आप उसकी बात नहीं करेंगे। उत्तम प्रदेश में आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। काय का उत्तम प्रदेश, साड़ी खोल लेने के लिए उत्तम प्रदेश? अबे दलालो भरवो, शर्म करो, महिला की साड़ी खोल ली गई इसलिए उत्तम प्रदेश? उत्तर प्रदेश की सड़कें ओमपुरी की गाल की तरह, इसलिए उत्तम प्रदेश? 5 किलो अनाज के लिए 18 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग लाइन में लगे रहे सुबह से शाम, नाच का लौंडा दिखाया, लौंडा 25 दिखाया जा रहा था, इसके लिए उत्तम प्रदेश? उत्तम प्रदेश इसलिए अमिताभ ठाकुर जैसे पूर्व IG के साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया गया, इसलिए उत्तम प्रदेश? अपराधी है तो पकड़ा तो जाएगा, योगी राज में बख्शा नहीं जाएगा, योगी जी तो कह चुके हैं। ढोंगी अपराधनाथ क्या है, अपराधी नहीं है, गुंडा मवाली नहीं है? ये ढोंगी अपराधनाथ खुद ही है, गुंडा मवाली है, तो क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं अपने आप को कानून के हवाले किया? सवाल पूछो ना, सवाल पूछो। सुन लो, कान का बवासीर, मुंह का बवासीर दोनों है तुम्हें। CM बनने के बाद 70 से अधिक धाराएं में जो दर्ज था उस सबको माफ कर लिया, अपने मियां मिट्ठू हो गया है, यही ऐसे लॉ एंड ऑर्डर चलता है क्या, ऐसे राम राज्य चलता है क्या है? आपने कभी चर्चा की कि जिस पुलिस ऑफिसर प्रशांत कुमार को भारतीय जनता पार्टी का नेता भदौरिया का आदमी थप्पड़ मारा था, बम गोला बारूद लेकर आया था, वीडियो वायरल हुआ था, खुद वो फोन में बात कर रहे थे, वो भी हिंदू थे, उसको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना दिया,
सारे सवाल मतलब भाजपा ही से होगा सर, केजरीवाल आपसे होगा, आप घुमा रहे हो। बात मैं क्या कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार की अपनी क्या भूमिका है? दिल्ली सरकार कोई पूर्ण राज्य नहीं है। हाँ। आप दिल्ली सरकार पर सवाल जबरदस्ती कह रहे हैं, जबरदस्ती हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ। आप क्यों नहीं बोले? आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, आप शासन में हैं, सत्ता में, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? सवाल उस पर होगा। मैं कैसे केजरीवाल बोल दिए साहब? बात तो आप जाओ ना, उनका सर फोड़ के आओ, आपको किसी ने मना किया? पूछो उनसे जाके, आप पत्रकार हो। दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के अंदर में आता है, जो अमित शाह खुद तारी पार है, और जो गृहराज मंत्री बंगाल से आते हैं वो मानव तस्करी करने वाले, गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालने वाले गृह मंत्री हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए सर। निर्भया हाथरस हुआ, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे था, पूरे दिल्ली में अलग अलग धरना हो रहा था, लेकिन सब मौन है राबिया केस में सर। राबिया ही नहीं, दिल्ली में कई घटनाएं हुई, सैकड़ों निर्भया बन गई, वो आरएसएस वाले, भाजपा वाले, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, अन्ना हजारे, पौने दो अखबाला, लाला रामदेव, आरामदेव, किरण बेदी, कुमार विश्वास, सरीखे, सब चुप हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, हेमा मालिन, धर्मेंद्र, स्मृति ईरानी, वो जनरल बी के सिंह, तमाम लोग चुप हैं। आज क्यों चुप हैं? सबने सत्ता के ललूपता में, सत्ता की दलाली की, सबको जब मिला सत्ता का मलाई मिला, सब अपना अपना पद लेके बैठे हैं। आज किरण बेदी क्यों नहीं बोल रही है? बहुत अपने आप को ईमानदार महिला आईपीएस बन रही थी। कहाँ है अन्ना हजारे? वो दलाली और मुजरा गा रहा वहाँ बैठ के राले गाँव सिद्धि में। कहाँ है पौने दवा खेला कन्या बाबा रामदेव? तो सवाल पूछा जाएगा, जो जवाबदेह है उससे पूछा जाएगा। आप अगर कहोगे जबरदस्ती बोलने के लिए तो मैं थोड़े ना बोलूंगा। जो सच्चाई है, मैं अपनी बात के लिए जाना जाता कि सच और बेबाक, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ये जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जब हमें गुंडा मवाली को, तारीपार को गृह मंत्री बनाते हैं, मानव तस्करी करने वाले को बनाते हैं, गहना जेवर के दुकानों में डकैती करने वाले को गृह मंत्री बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर बेमानी है इंसाफ की मांग करना। एक अपराधी से आप बगला को कहिएगा मछली नहीं खाता है, बिल्ली को कहिएगा दूध नहीं पीता है, बाघ को कहिएगा मांस नहीं खाता है, ऐसे चलता है क्या? फिर जय हिंद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।